आपको बताएंगे उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो अपने पिता होने का फर्ज पूरी तरीके से निभाते हैं। कहा जाता है कि लाइमलाइट मिलने के बाद लोग पिता का फर्ज भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना फर्ज कभी नहीं भूलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ शशिप्रिया। आज हम बात करेंगे उन सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने अपने पिता होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया है। इंसान चाहे कोई भी हो, आम इंसान हो या फिर कोई सेलिब्रिटीज, हर कोई अपने होने वाले बच्चे या बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। बॉलीवुड के बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने पिता और व्यस्त जीवन से समय निकालकर पिता होने का पूरा फर्ज निभाया है, अपने बच्चे का उसी तरह से ध्यान रखा है जैसे एक आदर्श पिता रखता है। अपने व्यस्त जीवन का अपने बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। बॉलीवुड के ये सेलिब्रिटीज इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जैसे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है, वैसे ही पिता की देखभाल की भी जरूरत होती है। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन पिता के नाम जिन्होंने अपने बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखा और उन्हें किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। सबसे पहला नाम आता है इमरान खान का। के जन्म हम आपको बता दें कि इमरान की अगर हम बात करें तो इमरान खान के जन्म से पहले इमरान खान अपने काम में बेहद व्यस्त थे, लेकिन पिता के जीवन के इस नए चरण के बारे में इतना उत्साहित हुए थे कि उन्होंने उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करना सुनिश्चित कर लिया जो बच्चों के बारे में बताया जा सकता था। 2011 की ये बात है जब 2011 में शादी के बंधन में बंधने से पहले इमरान और अवंतिका ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। अवंतिका ने 9 जून 2014 को एक बच्ची को जन्म दिया और इस जोड़े ने अपनी बेटी का नाम इमरान मलिक खान रखा। और अब बात विवेक ओबरॉय की। जी हाँ, पिता बन चुके हैं और अपने बच्चे का बहुत ही ख्याल रखते हैं। साथिया से विवेक ओबरॉय ने अपनी फिल्म की बेहतर इनिंग की थी और ओबरॉय ने अपनी पत्नी प्रियंका के प्रेग्नेंट होने के बाद उनका खूब सारा ध्यान रखा था और काम से भी काफ़ी समय तक उन्होंने ब्रेक ले लिया था ताकि उनके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। विवेक ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने बच्चे से जुड़ी कई किताबें पढ़ी और डॉक्टर के साथ हर अपॉइंटमेंट में भी अपनी पत्नी के साथ गए। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब बात आती है दूसरे ऐसे एक्टर की जिसके बारे में आप जानकर हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, बारी कुणाल और सोहा की। तो कुणाल उन एक्टर्स में से एक हैं जो अपनी पत्नी को पागलों की तरह प्यार करते हैं। जब उनकी पत्नी सोहा अली खान प्रेग्नेंट थी तब कुणाल ने उनकी देखभाल करने के लिए पैटर्निटी लीव भी ली थी और इस जोड़ी ने 29 सितंबर 2017 को एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम इनाया नौमी किम रखा। कुणाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस दौरान वो फिल्म के प्रमोशन में काफ़ी व्यस्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची का पूरा पूरा ख्याल रखा था। आगे बढ़ते हैं और अब बारी आती है कुणाल खेमू की। कुणाल उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो अपनी पत्नी को खूब सारा प्यार करते हैं। जब उनकी पत्नी सोहा प्रेग्नेंट थी तब कुणाल ने उनको किस तरीके से बहुत सारा प्यार दिया ये आप जानकर हो जाएंगे हैरान। उनकी जो जोड़ी है वो 29 सितंबर 2017 को एक बेटी को जन्म दे चुकी है और उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है, ये हमने आपको अभी बताया। और कैसे वो लोग अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं ये भी हमने आपको बताया। कुणाल सोहा से बहुत प्यार करते हैं और सोहा जो हैं वो भी कुणाल को उतना ही प्यार करती हैं। लेकिन ये जो तमाम पिता है, चाहे विवेक ओबरॉय हों या फिर कुणाल हो, ये सब लोग अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब बेबी होने की बात इन लोगों ने सुनी, ऐसा इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, तब इन लोगों ने बकायदा बुक खरीदी और प्रेग्नेंट जब स्त्रियां हो जाती हैं तो उस समय कैसे उनका ख्याल रखा जाता है उस फैमिली का, इन्होंने पूरी पूरी पढ़ाई की और उस दरमियान तमाम जो डॉक्टर्स डेट्स देते हैं कि अभी चेक कराना है, अभी अल्ट्रासाउंड कराना है, तमाम चीज़ों पर उन्होंने ध्यान दिया था ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। और इनके बच्चे आज स्वस्थ हैं, खूबसूरत बच्चों के ये लोग पिता हैं और अपने पिता होने का पूरा पूरा फर्ज निभा रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में अगर बच्चे के पिता हैं तो इसका पूरा पूरा धर्म निभाएं, क्योंकि पिता होना बड़े ही गर्व की बात है, माँ होना बड़े गर्व की बात है। उम्मीद है नेक्स्ट नाइन लाइफ पर हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, तो जल्दी से बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट करें, सुझाव दें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।